अगर आप 2023 में कम बजट में एक अच्छा और स्मार्ट टीवी की तलाश कर रहे हैं तो बेसिकली आज की वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नए सत्र में अच्छा और स्मार्ट टेलीविजन कौन सा है। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि एक टेलीविजन परचेज करने के लिए जरूरी होती है। इस वीडियो में हम टेलीविजन की प्राइस, साइज, कंपनी, सपोर्टेड एप्लीकेशन, उन तमाम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम में आपके माइंड में चल रहा है। आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिएगा एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और आपको यहाँ पर सर्च करना होगा बीथोसोल टीवी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सर्च किया बीथोसोल टीवी, यहाँ पर आपके सामने एक आएगा बीथोसोल टीवी 80 सेंटीमीटर यानी कि 32 इंच का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बीथोसोल, ये कंपनी का जो नेम है इसका नेम है बीथोसोल HD स्मार्ट टीवी 32 इंच। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे द ट्रस्ट ऑफ कोरिया, यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिलेगी द ट्रस्ट ऑफ कोरिया। कोरिया का इस टेलीविज़न पर, इस प्रोडक्ट पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, यहाँ पर बताया भी जा रहा है। उसके बाद में अगर इसका आप जो विवरण देखना चाहते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आपको देखना चाहते हैं, तो आपको विवरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन और मोर इन्फो का ऑप्शन दोनों देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मोर इन्फो में आप क्लिक करेंगे तो उत्पत्ति देश, किस देश में इसका जो मेड हुआ है, किस देश में बनाया गया है, इंडिया यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एक टीवी यूनिट, आपको एक टीवी मिलेगा, रिमोट, यूजर मैनुअल, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको उस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। एक टीवी मिलेगा, रिमोट कंट्रोल मिलेगा और यूजर मैनुअल गाइड, आपको कुछ बुक्स वगैरह मिलेंगी, वॉल माउंट मिलेगा आपको और बैटरी मिलेगा स्टैंड करने के लिए, उसका स्टैंड दिया रहेगा। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। की फीचर्स में आप देखेंगे यहाँ पर 24 वाट का आपको आउटपुट स्पीकर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। 24 वाट का जो स्पीकर है काफ़ी अच्छा है, इसमें क्वालिटी जो साउंड की है बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, 1366 का मल्टीप्लाई है 768 HD का आप यहाँ पर देख, जो कि ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी मानी जाती है। उसके बाद में आप नीचे यहाँ पर देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन में इसके, तो आपको इन दी बॉक्स, बॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया। उसके बाद में मॉडल नेम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। डिस्प्ले की जो साइज़ है वो 32 इंच है, आप यहाँ पर देख पाएंगे 32 इंच की डिस्प्ले है इसकी। स्क्रीन टाइप जो है ये LED है, एक LCD आती है और LED आती है, तो इसमें जो है ये LED है, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद में HD टेक्नोलॉजी रिजोल्यूशंस, यहाँ पर HD है, क्वालिटी में सारा कुछ बताया जा रहा है। उसके बाद में स्मार्ट TV के ऑप्शन पर आप देखेंगे यहाँ पर यस है, ये जो TV है स्मार्ट TV है। USB इसमें आपको दो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। Wi-Fi बिल्ट है, आप इसमें मोबाइल वगैरह से जोड़ करके इस टेलीविज़न को यूज कर पाएंगे। और उसके बाद में इंटरनेट फीचर्स में बिल्ट इन Wi-Fi यस है। उसके बाद कनेक्टिविटी फीचर है, आपको यहाँ पर USB 2 देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्मार्ट TV फीचर्स, इसमें आपको कौन कौन से एप्लीकेशन सपोर्टेड के लिए मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ये चारों एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट इसमें इंस्टॉल मिल जाते हैं। उसके बाद में स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन जो है यहाँ पर यस है, आपका यहाँ पर फीचर्स एक देखने को मिलेगा स्क्रीन मिररिंग का। उसके बाद में ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, आप यहाँ पर एंड्रॉयड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप इससे मोबाइल से जोड़ करके काफ़ी चीज़ें कर पाएंगे, तो इसलिए इसको एंड्रॉयड TV भी कह सकते हैं आप। उसके बाद में ऑडियो फीचर्स में आप नंबर ऑफ स्पीकर, स्पीकर के जो काउंटिंग रहेगा वो दो स्पीकर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा 24 वाट में। और उसके बाद में जो पावर रहेगा उसको AC 100 से 240 वोल्टेज रहेगा देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर। उसके बाद में नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर वारंटी आपको देखने को मिलेगा, 1 ईयर की वारंटी इसके ऑन साइड में दी जाती है। कौन कौन सी वारंटी इसमें कवर है, कौन सी नहीं कवर है, आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी वाटर वगैरह चला जाता है या जल जाता है या आप बाहरी डैमेज अगर कुछ भी रहता है तो ये कवर नहीं होता है वारंटी में, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पर रीड कर सकते हैं, इंग्लिश में दिया गया है। इंस्टॉलेशन एंड डेमो का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, यानी कि जब आप इसको बाई करेंगे तो इसके लिए मैकेनिक भी आपके घर के पते पर विजिट करेगा और खुद इसको इंस्टॉल करके जाएगा आपके TV को। आपको एक्स्ट्रा जो है कोई भी दूसरे व्यक्ति को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद कंपनी की तरफ से मैकेनिक भेजा जाता है जो कि आपके TV को वहाँ पर जाके सेट वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर देता है।
तो दोस्तों ये उसके फीचर्स रहे टीवी के जो मैंने अभी आपको इसमें वीडियो में आपको दिखाया बताया। तो कम बजट में यहाँ पर आपको 7499 कम से कम बजट में आपको एक 32 इंच की वो भी एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी एचडी क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाती है। तो हमारे हिसाब से आप यहाँ पर चेक करेंगे फ्लिपकार्ट में तो सबसे सस्ता यानी कि सबसे जो लो प्राइस है वो बीथसोली दे रहा है, इससे कम प्राइस में कोई भी नहीं है। और बाकी जो भी आप जाएंगे इन्फिनिक्स का या फिर आप देखेंगे रियलमी वगैरह का यानी सैमसंग का एलजी का इस टाइप का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको जो प्राइस है इसका हाई देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन यही था, मैंने वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जो कि आपके लिए ज़रूरी थी। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेलीविज़न लेना चाहते हैं तो आपको एक बार इस टेलीविज़न को ज़रूर परचेज करना चाहिए। मैंने खुद इस टेलीविज़न को परचेज किया हुआ है, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, तब जा करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस टेलीविज़न में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि आपको एक ब्रांडेड महंगे टेलीविज़न में आपको देखने को मिलती है, वो सारी क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एक बार आप लोग इसे ज़रूर खरीदें और अपना खरीद करके अनुभव जरूर शेयर करें। आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टेलीविज़न को परचेज किए आप तो इसका अनुभव आपको कैसा लगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग जरूर संतुष्ट हो। अगर अभी आपके मन में कोई सवाल है सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।